और हम इस वक्त मौजूद हैं मुमरा स्टेशन के सामने मौजूद आफरीन हॉल में, जहाँ पे जो ईद उल अज़हा है यानी कि बकरा ईद का प्रोग्राम कामयाबी से कराने के लिए और एक बेहतरीन तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से करवाने के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें मुमरा शहर के तमाम जिम्मेदारान और म्यूनसिपल महकमे के जिम्मेदारान, इसके अलावा बिजली महकमे के और पानी महकमे के जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने लोगों से इस मामले में अपनी अपनी राय मांगी और लोगों ने अपनी राय रखी। इसके अलावा उस पर उन अधिकारियों ने उन अफसरान ने अपनी अपनी राय भी रखी। तो आइए हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम और आपको बता दें कि इस मौके पर कलवा जोन के नए एसीपी सुनील गोसालकर भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मुमरा का, मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मुमरा का नाम सुनने के बाद लोगों को लगता है वहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे सामने तीनों पुलिस स्टेशन के सामने वाला है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बाकी नहीं होता है। मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं रहा, ताकि मुमरा का जो रेपुटेशन था रहा है उससे मुझे लगता है यहाँ पर कोई कुछ प्रॉब्लम होता ही रहेगा। तो मैंने सर फाइल में भरे और मैंने देखा लास्ट 5 साल से यहाँ पे कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने 30 साल की सर्विस में मैंने ऐसा देखा कि अकेला नहीं, एक तो कुछ मुद्दा होता है लेकिन मुमरा में एक भी मुद्दा नहीं है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके साथ आपके एरिया में मुझे काम करने को भी मिले। दूसरी बात है, आप लोगों ने जो प्रॉब्लम बताई है उसका जो ये किया है कॉर्पोरेशन वालों ने भी और पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने भी आपको आपका खुलासा दिया है। मैं ये चाहता हूँ अपनी आप खुलासा धोती रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि यह बात मुझे कोपा चाहिए आपके लिए कि यह पत्नी दया की गणपति सब अच्छी तरह से भाईचारे से चलने के लिए मेरी तरफ करो और मैं आपके साथ हूँ। मैं मेरा खुद का नंबर मैं आपको शेयर करता हूँ। कभी भी 24/7 कभी भी मुझे आप पत्नी के बारे में या कहीं पर मुझे कभी भी फोन करो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और सॉल्व करके रखूंगा। आपको आने वाली बात करें कि शुभ अपने नेतृत्व में नए पुलिस आयुक्त सुनील गोसालकर साहब, बाकी कॉर्पोरेशन के सभी ऑफिसर, मेरे सरकारी मुजावर साहब, शेख सागर साहब और आप सभी आए हुए सभी मेहमान ने आप कौसा की है, अब कौसा उमरा की है। लेकिन मेरी हमने जो बैठक आयोजित की उसमें आए हुए इसी दिन मैं मेहमान बोलता हूँ। आने वाली बकरी को मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार है, अपने को त्यौहार अच्छी तरह से मनाना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके त्यौहार में कोई अड़चन ना आ जाए। 5 जगह हमने परमिशन की सिफारिश की है, वहाँ जो जो चीजें लगती है वो कॉर्पोरेशन, वाटर डिपार्टमेंट, बाकी जितने डॉक्टर इनके साथ सबके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। मैं आप लोगों को इतनी गुजारिश करूंगा, जो जो चीज़ें आप ही लोगों ने बताई है ये आप ही लोगों को पालना है कि वो काटने के बाद में कैसा लेके जाना, क्या करना, वेस्ट मतलब कॉर्पोरेशन वाले वही काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें स्वच्छता रखना, क्लीनिंग रखना, ये आपके हाथ में। अपने वो बकरी मनाना है तो वो क्लीनिंग के साथ मनाना है, ऐसा नहीं कि वो खराब होके तो ही मनाना है या वेस्ट मटेरियल हो गया तो कहीं पे भी फेंक देना। वो फेंक देने के बाद में बीमारी किसको होगी, बच्चे किसके हैं, घर वाले किसके, आप ही इनके लोगों के हैं ना। तो आप बीमारी अपने एरिया में ना फैला है, ये अपने हाथ में, दूसरे के हाथ में किसी के नहीं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आप सभी ने पालना है। हमारी तरफ से जो भी चीज लगती है हम लोग 24 आवर्स का कंट्रोल किए हो, पूरे ऑफिसर सब हाजिर रहने वाले हैं, सवेरे नमाज भी होगी उसमें भी कंट्रोल रहेगा। ये हमारी तरफ से जो लगता है वो सब होने वाला है, सिर्फ आप लोग
अपनी सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। कहीं कोई जानबूझकर कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करेगा तो उसके लिए हम सख्त से सख्त उसको निपटाएंगे, वो कोई बात नहीं। आपने बताया कभी टाइगर का, तो टाइगर का अटलांटा का, दोस्ती का, निष्ठा का और सनराइज, ये चारों बिल्डिंग का जो मसला था, अभी दोस्ती में कुछ तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आप ही लोगों ने वो उसमें दो घर थे, बाकी कोई नहीं। सनराइज अटलांटा और निष्ठा का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेशन कौशल साहब और हमने वो स्क्वाड भी फिक्स किया हुआ है, और कल हाईकोर्ट ने भी जो निर्देश दिए हुए हैं उसमें भी हमको पालन करना है, वो सभी को पालन करना है। लॉ है सबको, सबके लिए सभी लॉ है। दोस्ती वालों ने आप लोगों ने आपस में थोड़ा तय करना है, दो फुट लेने दो फुट कौन है, आप उसी में आप पॉलिटिक्स लाएंगे या करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हम जो बोले वही कायदा होगा, सर तो दोनों आपस में बिना मतलब के ये कर रहे हैं, तो जो बाकी लोगों को लागू है वही दोस्ती वालों को भी लागू है। ऐसा तो दोस्ती से करोसा ज्यादा दूर नहीं मुझे लगता, बिल्कुल दूर नहीं है। ऐसे तो अपन हर बार 50 बार घूमते रहते, फिर भी हम लोगों ने वहाँ अरेंजमेंट किया हुआ है, कल गोसावी साहब ने वहाँ भी एक अरेंजमेंट करके दिया हुआ है। अटलांटा विस्टा और सरप्राइज का भी मसला हमने दूर किया हुआ है, वहाँ भी उनका आपस में सलाह मशवरा करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है। वैसी कोई बात नहीं रही है, मैं मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद में दयानी का प्रोग्राम 22 तारीख का प्रोग्राम है, उसके बाद गणपति है, गणपति में भी वापिस मोहरम भी है, उसी में 2 तारीख से गणपति बैठने वाला है, 1 तारीख से मोहरम, 1 से 10 तक मोहरम है और 2 से 12 तक गणपति है। ये सब त्यौहार जो है आपकी लोगों ने स्क्रीन पर बताया कि वैसा कौसा और कुमरा में कुछ होता नहीं, तो मुझे लगता कुछ होना ही नहीं चाहिए, उसकी उसी के लिए तो त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार काहे के लिए मना, आपस में भाईचारा मान करने के लिए त्यौहार मनाते थे। आज मीटिंग में सिटी साहब ने हमारे मीटिंग में दोस्त में बोला कि अपना गणपति और वो मोहरम साथ में एक जगह ये करते, वही को भाईचारा अपने को बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाने के लिए त्यौहार। मुझे लगता है कि ये सब आप लोग ही अच्छी तरह से करेंगे, हम लोग तो उसमें आगे रहने वाले, हम लोग का तो कोई ड्यूटी, हमको कोई त्यौहार व्यवहार कोई नहीं है, हम लोग तो वही करने वाले, या कोई किसी की रजा भी मंजूर नहीं है, क्यों मुझे और था। अच्छी बात है, बखराई जा रही है अलहमदिल्ला, और ज़्यादातर हमारे शहर में सर कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके सभी जिम्मेदार नागरिक उनको आप ये बात मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर और कानून का पालन करना चाहिए, वो सब तरीके से लोग करते भी है और कुछ लोग गलत करते भी है। तो हमारे ही लोग पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के उनसे उनको बता देते कि गलती नहीं होना चाहिए, उनको सबक सिखाई दे। बाद में मौलाना साहब ने बॉम्बे कॉलोनी के रोड के बारे में कहा, तो मौलाना साहब को ये बता दूँ जानकारी के लिए कि वो कन्वर्ट है, कई सालों की वजह से नई जाम होने वजह से बॉम्बे कॉलोनी में से पीछे तक पानी भरता था, इमरजेंसी वर्क के लिए उसको बनाया गया है, लेकिन अभी कंटिन्यू 15-20 दिन से महाराष्ट्र में सभी जगह पर बड़ी बारिश हो रही है, तो 2-3 जगह पर जो कन्वर्ट है उसके काम के लिए कम से कम 4 दिन बारिश होगी तभी वो कन्वर्ट बना पाएंगे, तो 4 से 5 दिन जैसे ही बारिश होगी कन्वर्ट बन जाएगा। और रही बात, एक और बात थी कि जो हमारे आदि भाई का वो भी बहुत जरूरी बात है कि जो लोग कोई भी मटन का टेम्पो में लेके जाए, गाड़ी में लेके जाए, बाइक पे लेके जाए, वो ढाक के लेके जाए। और मेरे खासतौर से मुंगरा मौसम के सभी रहवासियों से ये गुजारिश है कि जो भी मटन बांटने में लेके जाने में जो भी हम यूज करें वो प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ से बड़े बड़े दुकानों में कपड़े की थैली मिलती है, वो लेके लोगों को दे, हम वो थैली लेंगे, हम वही थैलियाँ लेके गटरों में डाल देंगे, उससे वही गटर का ब्लॉकेज का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर हमारे शहर के अंदर गंदगी के साथ पानी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो प्लास्टिक है उसको अवॉइड करें, उसका इस्तेमाल ना करते हुए बांटने में भी कागज की थैली ले, और बड़ी जो थैली है वो अपने घर में बड़े बड़े कपड़े की थैली आता है उसका इस्तेमाल करें। बाकी इंशाल्लाह हम सर यकीन दिला दे हमारे शहर के अंदर हमने डिपार्टमेंट रहे, म्यूनसिपैलिटी रहे और हमारे नागरिक रहे, वो सभी चीज का पालन करते हैं। और हमने हाल ही में आज की महासभा की और प्रभाग समिति के अंदर भी मीटिंग लगाई, हमने जो जो स्पॉट लिए, जो स्पॉट है जहाँ पे कुर्बानी होने वाली है
उधर हम खास तौर से कुर्बानी के बाद दवाएं उधर बाद में गंदगी जो अभी बारिश भरी तो वैसे जो जो इलाके में बारिश भरी वहाँ पे इंजेक्शन और दवाई दी जा रही है, लेकिन जो बाद में दवाएं मारते कुर्बानी के बाद वो हम मारेंगे जरूर, और जहाँ पर खून रहेगा वो सभी हम एहतियाती करेंगे, लेकिन हमने कॉर्पोरेशन में उस स्पॉट को मार्किंग कर लिया है। नेक्स्ट डे दूसरे दिन तीसरे दिन तीन दिन तो कुर्बानी चलेगी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू भी हमने प्रशासन से बात की है और अभी तक हमने आश्वासन दिया है कि हम कंटिन्यू लगातार तीन दिन लगाने के बाद जो तीन दिन रहेंगे उधर हम कंटिन्यू अपना स्पॉट भेज के सफाई के कर्मचारियों को भेज के वहाँ पे विशेष तरीके से सफाई करेंगे। उन्होंने आज हमको महासभा में एडमिट किया और हमारे पीएमसी के अधिकारी बैठे हैं, साथ बहुत से लोगों की पानी की शिकायत है, तो पानी के लिए तो हमारा डैम भी फुल है, तो टेक्निकली जो प्रॉब्लम है हमारे टैंकर कभी तक हमने दिए अंदर सामने भी टैंकर भरा है, जितने भी लोगों को टैंक मेरी आपसे गुजारिश है कि तीन दिन छुट्टी है, छुट्टी के दिन है म्यूनसिपालिटी बंद भी रहेगी, लेकिन मैं आपसे खासतौर से गुजारिश करूँगा कांग्रेस साहब और हमारे दूसरे अधिकारी भी पानी के डिपार्टमेंट के बैठे उन लोग से कांग्रेस साहब भी कि जैसा हम टैंकर की व्यवस्था करते हमारे टैंकर की व्यवस्था सर करेंगे हॉलीडे के दिन की मालूम है सर कि हॉलीडे के दिन, लेकिन अगर आप लोग विशेष तौर पर आपने पुलिस डिपार्टमेंट है या हमारा म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट है वो हॉलीडे के दिन भी काम करता है, तो ये उनकी खासियत है। तो आपसे भी गुजारिश है कि सर पानी के डिपार्टमेंट के लोग टैंकर के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहिए और टैंकर रात के 10 बजे तक चले, एक मेरा भी खुद का टैंकर है और हमारे म्यूनसिपालिटी का भी है, लेकिन हम लोग वहाँ खड़ा कर देंगे जिनको चाहिए टैंकर वो टैंकर से अपना पानी के यूज इस्तेमाल करें। कुंडई कॉलोनी हमारे बाजार का इलाका है, बहुत ही गंदा रहता है, आज कल सफाई नहीं करते है और ये रोड जब तक तोड़ दिया गया बाजार तक तो इतनी तकलीफ हमको हो रही है कि वो भी जानते हैं यहाँ पर लोग कहते हैं वो जानते हैं, मतलब में आने वाला के देखेंगे तो अभी सफाई नहीं है, पता नहीं क्या इसकी वजह है, इसके लोग गौर करें और खुद बकैद के मौके पर चीज़ों की एक्स्ट्रा हमला लगा करके बैठ को साफ करने की कोशिश कर दी, जो फिर पानी का जो मसला है हमारे कुछ इलाकों में खासतौर से वो अक्सर शादाब वगैरह के इलाकों में और इसी तरीके से ये संतोष नगर का जो इलाका है इसमें प्रेशर बहुत ही कम रहता है, आजकल भी बहुत कम चल रहा है और बकरीद के मौके पर बहुत मसाइल होते हैं, ज़्यादा गुजारिश है कि उस मामले पर जब उसको पानी का अवकाश भी बढ़ाए गए के लिए जो डिपार्टमेंट में जो तैयारी किए गए होते हैं जैसे आपने मांग किए तो टैंकर का जो बंदोबस्त किया है, हालांकि हमारे यहाँ टोटल 4 टैंकर होते हैं जैसे ये कार्यकाल में आपने एप्लीकेशन में तो 12 और 13 लिखा, लेकिन हमने 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक 5 दिन के लिए हर दिन 8 टैंकर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये व्यवस्था पानी के टैंकर की है। दूसरा है कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि बारिश अच्छी हो रही है और वाटर डिपार्टमेंट उसके ऊपर दौर नहीं दे रहा है, बारिश की वजह से खाली भर के इतना ही पड़ा है कि जो हम वेस्ट आने वाला है वो
इकट्ठा बड़ी गाड़ी में करने का अभी तो बता दिया गया है। पानी का प्रबंध के लिए वाटर टैंकर जो कई साल में चार या पाँच थे, तो अभी सालों के सामने बताया कि वो आठ टैंकर से काम चलाने वाले और उनका जो टैंकर का ड्राइवर या सुपरवाइजर उनके साथ फ़ोन नंबर शेयर करने वाले हैं। साफ सफाई के बारे में दूसरे साहब हर नगर से उनको उनका जो प्रोविजन किया हुआ है, जो बंदोबस्त किया है डिस्पोज करने के लिए, वो हर नगर सेवक के पास के वो उनका जो प्लानिंग है वो दे रहे हैं, ताकि वो नगर सेवक के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ेगा, उनके रहवासी को लोगों को मालूम पड़ेगा, वो पता चलेगा कि हम इसको फोन करना है कोई गंदगी ना होने के लिए या अच्छा कवर होने के लिए जो हमारे तरफ से जो प्रोजेक्ट किया हुआ है उसका कैसा अच्छी तरह से इस्तेमाल करके कैसा ये त्यौहार अच्छा हो जावे, इसका प्रबंध करने के लिए हम हमारा कोशिश किया है। और हम ऐसा सोचते हैं कि नागरिकों को वो हेल्प मिले और प्रॉपर तरीके से एवरी डिपार्टमेंट को आदमी को कोई परेशानी है तो फ़ोन करके वो लोग जरूर कोशिश करेंगे कि तुरंत सर मुंगा में ऊपर सोल्यूशन निकाले। सर मुंगा में कहाँ कहाँ पर कुर्बानी सेंटर बनाए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुंगा में मदरसा दारू पला ट्रस्ट हलो पानी कौशल यहाँ एक हो गया हुआ है, देन शिमला पार्क स्टेडियम कौशा यहाँ है, डुमरी काल के सामने कौशा वहाँ एक है, उदा पार्क भारतीय कंपनी के बाजू में कौशा वहाँ एक है, और भारतीय के सामने कौशा वहाँ एक है। और इसके अलावा जिधर बड़े 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 गाड़ियाँ रहने वाले हैं कि वो छोटी गाड़ी से वहाँ चले। शिकायत भी थी कि पूरे शहर भर में जो है पॉलिटिकल बैनर से पूरे शहर को ढाक दिया जाता है, मगर जब मस्जिद में मदरसा की तरफ से ये चंद दिनों त्यौहार के दिनों में जब बैनर लगाया जाता है तो महानगर पालिका की तरफ से बेरहमी से उसे उतार दिया जाता है, क्या कहेंगे? अभी उसके बारे में तो अभी नहीं, जो अपना त्यौहार है उसका साफ सफाई और उसके लिए जो कॉर्पोरेशन के साथ जो वाटर का फैसिलिटी है उसके बारे में उनकी शिकायत आप अपने शीर्ष अधिकारियों तक पहुँचाएंगे या नहीं पहुँचाएंगे?